शायद फरमाया यन ताजिर दावा, अगर मरण वाला तांग रखते तो सिर्फ जिंदा की तरफ दुआ की तांग रखते। अल्लाह करीम दी ज़ात पाक ने अपने मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर भी इरशाद फरमाया, फरमाया अगर तुस अपने प्यारियों को फायदा देना चाहते और अपने प्यारियों के नाल कोई भलाई करना चाहते और अगर प्यारियों को तुस चाहते वे कि सारे प्यारे जिमें इन जहान में खुश हैं अगले जहान ही खुश होवन, तवल तारे मेरे मुस्तफा करीम दी ज़ात पाक ने फरमा कसरत नाल उन्हां वास्ते बख्शिश की दुआ मांगो। जमात आले सुन्नत का यह अकीदा है कि असं जलन भी अपने रब की पाक बारगाह दस्ते सवाल दराज करे ने और अपने हत्थों को कशकोल बने ने और अपने माले की हकीकी की पाक बारगाह अपनी झोलियाँ फैले ने हैं। मेरा रब कदा दुआव को रद्द नहीं करें, मेरा रब दुआव को कबूल करें। और याद रखो दुआ वाहिद ओ इबादत है जिंदे वास्ते अल्लाह करीम दी ज़ात पाक ने कोई वक्त मुकर्रर के नहीं किया। दुआ वाहिद ओ इबादत है जिंदे वास्ते अल्लाह दी ज़ात पाक ने कोई जाय मुकर्रर के नहीं की। दुआ वाहिद ओ इबादत है जिंदे वास्ते अल्लाह करीम दी ज़ात पाक ने कोई जमीन का टुकड़ा ही मुकर्रर के नहीं किया। यानी दुआ वाहिद इबादत है जिंदे वास्ते अल्लाह करीम दी ज़ात पाक ने कोई वक्त खास नहीं किया। अल्लाह ने कोई दीन खास कह नहीं किया, अल्लाह ने कोई मुल्क खास कह नहीं किया, रब ताला दी ज़ात पाक ने कोई जगह खास कह नहीं की थी। बल्कि कुरान मजीद अगर मुताला करो अल्लाह दी ज़ात पाक ने फरमा इदा दान तुस दुआ जिड़ वेले ही मंग सोचा फाली अस्तजी बोली मैं खुदा हूँ वेले कबूल कर दे। पता चल गया अज भी अगर असं प्यारियों को फायदा देना चाहते हैं, नफा देना चाहते हैं, भलाई करना चाहते हैं, तो वल आका करीम दे फरामीन दे मुताबिक और आका करीम दी सीरत तय्यबा दे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारूँ। साहबाए कराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वो जरा मरण वाला मर वेंदे कबर के अंदर पहुँच वेंदे वल वो किंदी तरफ ज्यादा तांग रख दे कि मेरे ए प्यारे मेरे वास्ते बख्शिश की दुआ मंगे। आका दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया अबिन वो सब तो पहले दुआ की तांग रख दे कि मेरे वाले तो दुआ मंगे। पता चल गया आका करीम दी ज़ात पाक ने फरमाया अगर मुतवफियान हजरात जिंदा दी तरफ सब तो ज्यादा मुंतजर रहते इंतजार रहते तांग रहते तो वाहिद पहली शख्सियत है जड़ा अब्बा है। पता चल गया जिमें दुनिया विच वाले दैन की दुआ रद्द नहीं थी ना मरण के बाद भी अल्लाह करीम दी ज़ात पाक इन्हां दी दुआ ते मंगे हुए उठे दे हत्थां को रद्द नहीं वे करें दे। आका करीम दी पाक बरगा विचार कीता कि यार सुला दूजा कौन है कि प्यारा उन्हां को तांग रख दे। आका दी ज़ात पाक ने फरमा अम्मे वो आते मेरी अम्मा तो मेरे वास्ते दुआ मंगे चा। अगर आका करीम दे पाक फरमा फीन दा मुताला करूँ चा तो आका दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमा माँ दी दुआ मुर्दे को जिंदा कर देती है। अल्लाह अगर कोई मर गया होवे धाइया चल को लबैक आ चुका होवे आका दी ज़ात पाक ने फरमाया अगर वो चला गए मर गए रूह कफ़स अंसरी दे परवास कर गई है ते माँ रब दी पाक बर गए दुआ मंगे चा। अल्लाह फरमाते हैं मैं खुदा कानून बदला देना पर माँ दी दुआ को रद्द नहीं करना। ते अगर मरण के बाद असा तांग रखूँ भाई सारे वास्ते अम्मा दुआ मंगे जींदे मंगवाऊ ना चा जींदे हूँ दी खिदमत बहते दुआ की दरखास्त पेश ना चा करूँ क्या मरण की तांग रखूँ कि मरण के बाद सारी माँ सारी दुआ दुआ का फायदा रहे सी ना वे जिंदगी दे अंदर भी इंदे कोलो बहो तो इंदे कोलो दुआ मंगवाओ। साहबा ने यार किया यार सुला त्रीजा बंदा कौन है आका दी ज़ात पाक ने फरमा अखिन त्रीजा वो बंदा ही वे जड़ा दे को चलो बी आई कुछ ना मेरे भीरा तो मेरे वास्ते बोक चाचा वैन आका करीम दी ज़ात पाक की खिदमत है। साहबा कराम ने यार किया यार सुला चौथा बंदा कौन है सुबहान अल्लाह सरकार दी ज़ात पाक ने फरमा औ सदीक है चौथा बंदा हो आदे चलो बी आई कुछ ना अब्बा कहनी अम्मा कहनी भीरा कहनी यार ही कहनी कोई सज्जन ही कहनी कोई दोस्त अहबाब ही कहनी। अगर कोई मेरा जिक्री यार मेरे वास्ते दुआ च मंग सी तो मेरे को वल भी रब नाल उम्मीद है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। तो असा प्यारे क्या करना ने किस वास्ते आने सारे जमा तीवण का मकसद क्या है सारे कट्ठे तीवण का मकसद क्या है कोई ना कोई रिश्ते आला इन जगह उत्ते मौजूद हो सी तो असा उन्हें रिश्ते की बुनियाद उत्ते बहते रब की पाक बरगज तौबा इस्तगफार करे सो अल्लाह करीम दी ज़ात पाक मरण वाले दे दराजात को बुलंद कर दे। अरे त्रीजी चौथी एक बात जी मैं आप दी समाज के हवाले करना चाहना कोशिश किया करो कब्रिस्तान के चक्कर लाए करो
साल दे बाद वेने सिर्फ बाबे को लिंबण वास्ते भीरावा को थीवण वास्ते कोशिश कीता करो। अल्लाह ना करे मौसम कई वाले खराब होवे, बारिश आ वे, बारिश जूं ही थम्मे मुक्के खत्म थी वे, कब्रिस्तान का चक्कर लाए करो। अपने सुते पेन, प्यारे सुते पेन, वालेदैन सुते पेन, भीरा भेणी सुते पेन, अजीज़ो अकारब सुते पेन। ओ तो ना होवे ना कि लाशां को चाते बार सट्टी कड़े होवे ते काका कोई लंघदा टपदा आख दे वंजो ए मस्जिद च ऐलान च कराओ ओ कहीं दिया लाशां कब्रां तो बाहर आईया पी जिता में उठाइयन दरिंदे उठाइयन भलाई उठाइयन क्या जिथा अपने प्यारे सुते पेन क्या उथा असा उन्हें दरिंदे के हवाले कराए असा उन्हें को जानवर के हवाले कराए असा उन्हें को भलाई के सपुर्द कराए ना ही वजह वास्ते सरकार दिया ते पाक ने फरमाया जड़ी मस्जिद को घर तू दूर बनाओ और जड़ी कब्रिस्तान है को घर के नज़दीक बनाओ। साहब ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मस्जिद को दूर क्यों बनाओ? आका दिया ते पाक ने फरमाया जितने कदम मस्जिद की तरफ चाह के वैसो और चल के वैसो अल्लाह हर कदम के बदले तेरे गुनामा को माफ करे। आपने फरमाया कब्रिस्तान नज़दीक किस वास्ते बनाओ? सरकार दिया ते पाक ने फरमाया जदन तुसा कब्रिस्तान दे नालू रोजाना लंघसो तो आपको आखरत की याद आ सी, तो को अपने प्यारे याद आसन, तो को अपनी मौत याद आसी, तो को अपनी आखरत याद आसी और इन दुनिया तू तो दिल उकतावे सी और आखरत की तरफ तेरा दिल मायल थी वे। अल्लाह दी जाते पाक असा सारे को दीन दफा हम अता फरमावे, तफक्कौ फी दीन अता फरमावे। एक दफा आलम शरीफ, त्रे दफा कुल शरीफ।